don't you cry for me. Cause I come from Alabama with a banjo on my knee. And nobody's gonna know what the hell that is. Do you know what that is? No. First position. बैंजो मतलब अभी भी नहीं पता चल रहा है और लोगों को पूछो ना बैंजो एक्चुअली इज अ जैपनीज इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में आया था अबाउट 85-90 ईयर्स बिफोर एंड जिसको यहाँ पे बुलबुल तरंग भी बोलते हैं द साउंड ऑफ बैंजो इज यूनिक एंड नथिंग कैन रिप्लेस इट Banjo, I thought was like a small guitar, but then I found out what it is a bulbul tarang, right? And I had no idea what a bulbul tarang was, so I googled it and I looked at, you know, the images and I heard some of the music that comes from the bulbul tarang. जो इंस्ट्रूमेंट है बचपन में मेरे डैडी बजाया करते थे उन्होंने मुझे कुछ गाने सिखाए थे और आज मेरी पहली फिल्म इस सब्जेक्ट पे है तो आई फील रियली ऑनर्ड साई लीला बीट्स इज द नेम ऑफ द बैंड दैट वी प्ले We are four banjo players. Tarat, that's me, who is great with his banjo. Dharmesh, who plays the character Grease, who works in a garage, who's a great drummer. There's Paper, he plays the great dhol. And then we have Vaja, played by Ram. And I think all of us make a unique band, Sai Leela Beats. तबले वाले को कोई बोलता है क्या ऐसा मुंह से पैसा उठाने को हारमोनियम वाले को बोलता है क्या इसलिए शर्म आता है बताने को कि अपन बैंजो बजाते दुनिया में जहां जहां स्ट्रीट म्यूजिशियंस हैं उनमें टैलेंट है सबसे पहली बात है कि ये अंडरस्टैंड करो कि वो लोग म्यूजिशियंस हैं वो लोग बेगर्स नहीं है वो म्यूजिक प्ले करते हैं उनको आप भीख मत दो उनको आप पैसा मत दो उनको आप मौका दो परफॉर्म करने का बड़े स्टेज पर ये इंस्ट्रूमेंट बहुत आगे तक बच सकता है क्लासिकल शोज में भी बच सकता है और बहुत सारे फ्यूजन्स में भी बच सकते हैं बट इसको आगे किसी ने लेके जाने की कोशिश नहीं की लेकिन रवि जाधव सर ने इसके लिए बहुत मेहनत ली है सब लड़के लोग से भी और एक अच्छे एक्टर स्टार एक्ट्रेस रितेश देशमुख के साथ में हम सब लोकल लड़के लोग को वहाँ तक पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की और इंस्ट्रूमेंट को भी ये म्यूज़िक अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा डायरेक्टर का ये चीज़ है ये कहना है ये सोच है उनकी कि ये जो म्यूज़िक है सिर्फ चौल तक नहीं रहा ये पूरी दुनिया में फैल गया ये फिल्म में जो दिखाया है हमने वो अगर कुछ लोगों ने सुना और कुछ लोगों ने स्ट्रीट म्यूजिशियंस को ऐसा मौका दिया तो आई थिंक काफ़ी बड़ी बात हो सकती है एंड मैं खुद सुनने के लिए बेताब हूँ कि बैंजो के सॉन्ग इंडिया के अलग अलग स्ट्रीट म्यूजिशियंस कैसे बजाते हैं और वो कैसे भेजते हैं मैं आपके लिए फिल्म कर रहा हूँ अब मेरे सुनने गाने बजा आई बी वेरी हैप्पी लेट्स जस्ट सेलिब्रेट दिस इंस्ट्रूमेंट दैट गेव अस सो मच ऑफ जॉय